शिवपुरी शहर में यातायात पुलिस और नगर पालिका द्वारा अस्थायी अवैध अतिक्रमण कर बैठे लोगों पर कार्यवाही की गई और शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने बताया कि शिवपुरी शहर को स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी को और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया, जिसको आज नगर पालिका और यातायात पुलिस के द्वारा हटाया गया है। साथ ही कल यातायात पुलिस और नगर पालिका की ओर से कोर्ट रोड गर्ल्स कॉलेज के सामने दो पहिया वाहनों के लिए एक पार्किंग की व्यवस्था की गई है और हाथ ठेला लगाने वाले लोगों को समझाइश देकर दीवार से चिपक कर ठेले को लगवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये कार्रवाई नगर पालिका और यातायात विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कल से ये नालियों को जिसने कब्जा कर लिया है, नगर पालिका ने सभी को हटा दिया है और एक पार्किंग भी कल हम दोनों ने मिलकर बनाई है कोर्ट रोड पर। जैसे देखेंगे आप टेगरी तरफ जाएंगे, टू व्हीलर पार्किंग बना दी है और स्कूल के सामने कोर्ट रोड पर जो स्लोप बन रहा है वो भी नगर पालिका दो चार दिन में पूरा कर लेगी, तो वहाँ भी पार्किंग और लाइनिंग डल जाएगी, जिससे पार्किंग व्यवस्था अच्छी और कोर्ट रोड पर जो जाम की स्थिति बनती थी, अव्यवस्थित रहता था, वो भी ठीक हो जाएगा। ठेलों को हमने लगभग 5 से 7 फुट अंदर सड़क के दीवार से पा के लगा दी है, तो सड़क चौड़ी भी दिख रही है, अच्छा भी लग रहा है लोगों को निकलने में। अभी आज गांधी चौक में जो पटवा लोग बैठे हैं, इनने कम से कम 8 से 10 फीट जगह घेर ली है और जो सहमति बनी है नगर पालिका के साथ वो 3 फीट बनी है कि आपको 3 फीट की जगह दी जाएगी, जिसमें आप अपना सामान रखें, अपनी सामग्री बेच सकते हैं। तो वही हम अभी करा रहे हैं, इनको 3 फीट पर जगह दे रहे हैं और 3 फीट के बाद अभी नगर पालिका ग्रिल भी लगाएगी यहाँ पर लोहे का, उसके अंदर सभी लोग रहेंगे। तब तक नहीं है, तब तक 3 फीट पर रहेंगे, चूना भी डाल दिया जाएगा। तो एक शहर में एक हर चीज़ व्यवस्थित लगे, यातायात व्यवस्थित हो, सभी दुकान व्यवस्थित हो, नालियों में जो कब्जा है वो हट जाए, एक शहर सुंदर लगे, लोगों को अच्छा लगे, ये मकसद है। नहीं, अभी समझाइश दे रहे हैं और सामान उनको अंदर करा रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी, फिर हटाए जाएंगे यहाँ से। जुर्माना वो नगर पालिका जो तय करेगा वो हिसाब से जुर्माना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।